आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि टीईसी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, टीईसी एग्जाम किस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे। काफी ज्यादा लोगों के कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि सर टीईसी रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट लाइव करके दिखाएं, जिसमें ये बताएं कि किस तरीके से टीईसी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सो फाइनली दोस्तों, आज वो दिन आ गया है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे लाइव टीईसी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और कितना अमाउंट इसमें लगता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि टीईसी आपको जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सीएससी आईडी जो भी आपको मिलेगी वो टीईसी सर्टिफिकेट नंबर से ही मिलेगी। अगर आपके पास टीईसी एग्जाम नहीं है, टीईसी सर्टिफिकेट नहीं है या टीईसी नंबर नहीं है, तो आप सीएससी आईडी नहीं ले सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए और आप टीईसी रजिस्ट्रेशन खुद से कर पाए, किसी और से आप ना कराएं। किसी और से कराने के लिए आपको क्या होता है कि वेट भी करना पड़ता है और आप अपना पेमेंट भी इन्वेस्ट करते हैं और टाइम पर आपका काम भी नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए हमने इस वीडियो को लाइव किया है कि आप देख लीजिए किस तरीके से टीईसी रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप उसे खुद से भी कर सकते हैं। सो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सबका हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर में जो भी कोई नई वीडियोस हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रह पाए और सीख पाए कुछ नया। सो पहले दोस्तों, टीईसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है टीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप यहां पर जब आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो आपको फाइनली करना क्या है, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन विद अस पर। सो फाइनली दोस्तों, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिए जाएंगे। इस ऑप्शन के बारे में हमने पहले बात की हुई है, तो फिर भी हम यहां पर बता देते हैं आपको। अगर आपके पास पहले से सीएससी आईडी है तो यहां पर लॉगिन विद सीएससी कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे आएंगे। यहां पर आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन, दूसरा दिख रहा है रजिस्टर। तो आपने अगर रजिस्टर करके अपना जो है पेमेंट कटा दिया है और यहां पर आपको टीईसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया है, तो आप लॉगिन करेंगे। अन्यथा आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको अपनी छोटी सी डिटेल्स भरनी है, और डिटेल्स भरने के बाद यहां पर आपको एक फोटो अपलोड करनी है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए यहां पर हम डिटेल्स भरते हैं और फोटो अपलोड करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या क्या करना है। सो पहले दोस्तों, यहां पर हम एक बंदे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं, तो इनका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। लाइव आपको दिखाएंगे क्या कैसे आपको करना है। तो यहां पर इनका नाम डालना है सबसे पहले, तो यहां पर हम नाम डाल देते हैं जो भी इनका नाम है, और उसके बाद में यहाँ पर जो भी डिटेल्स हमसे मांगी जाएगी वो यहाँ पर हम डालेंगे। यहाँ पर हमने इनका नाम डाल दिया है, अब यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर डालना है। तो इनका मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर जो है एक बार इनका कॉपी करते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर हमने इनका मोबाइल नंबर कॉपी कर लिया है, अब यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, तो चलिए यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें इनकी ईमेल आईडी डालनी है, तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालेंगे। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने मोबाइल नंबर डाला तो ये एरर क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है इनका रजिस्ट्रेशन पहले से किया था, लेकिन कुछ कारण से इनका रजिस्ट्रेशन हमारे सामने कैंसिल हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत टाइम लगा, इनका जो भी आईडी पासवर्ड था वो नहीं मिल पाया अभी तक। तो आज वो दिन आया है जो हम इनका जो है चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख पाएंगे जैसे हमने मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ पर डायरेक्टली इनकी पूरी डिटेल्स हमारे सामने शो हो गई और यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया है। बता देते हैं, अभी इस पेमेंट करने के बाद आपको बताएंगे कि आपको पूरी डिटेल्स कैसे फिल करनी है। फिलहाल हम अभी यहाँ पर पेमेंट करते हैं, इसका पूरा कंप्लीट करते हैं प्रोसेस, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम अपने कार्ड की संख्या डालेंगे, जो भी हमारा कार्ड नंबर है, चलिए फटाफट यहाँ पर हम डाल लेते हैं कार्ड नंबर अपना। यहाँ पर हमने कार्ड नंबर डाल लिया, अब यहाँ पर हमें एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी हमारा एक्सपायरी मंथ है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट करना है जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर सीवी नंबर डालना है हमें, पेमेंट करने के लिए ये डिटेल्स आपको देनी होगी, और जैसे ये डालेंगे मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। सो जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी आपके मोबाइल में जो आपका बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी चला जाएगा, तो आपको फाइनली वो ओटीपी यहाँ पर डालना है। तो चलिए यहाँ पर वो ओटीपी हम डाल देते हैं, हमारे मोबाइल पे अभी तक आया नहीं है मैसेज, देख लेते हैं, अगर आया है तो डाल देते हैं।
फिर आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सुभानी दोस्तों, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ चुका था, हमने ओटीपी डाल दिया है, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारे अकाउंट से जो है पेमेंट डिडक्ट कर लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हमारे अकाउंट से जो भी पैसा है वो काट लिया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है द ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल एंड योर यूजर नेम, और यहाँ पर पासवर्ड इनके मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर जो पेमेंट कटा हुआ है 1479.72 रुपए का कटा हुआ है। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि टीईसी रजिस्ट्रेशन से आप सीएससी आईडी कैसे रजिस्टर करेंगे, वो अगली वीडियो मिल जाएगी बहुत जल्द। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं अपने पास कहीं पर, उसके बाद में आपको आगे फिर बताते हैं। यहाँ पर हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, इसे हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर टीसी नंबर को हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये हमें काम आएगा आगे। अभी अब यहाँ पर हम होम पर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर जैसे हम होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा पेज फिर से उसी डिटेल्स पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर भरेंगे डिटेल्स। तो थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो है, अब यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से लॉग इन विथ अस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। ये हम क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स भी हमने भरना नहीं बता पाए थे, मोबाइल नंबर डाला था और पूरी डिटेल्स यहाँ पर सबमिट हो गई थी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, अपने फादर का नाम डालना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, अपना लिंक सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और एक फोटो अपलोड करना है और सबमिट पर क्लिक करके पेमेंट मेथड पे जाएंगे, जहां पर भी हमने आपको पेमेंट करके बताया है। सो फाइनली दोस्तों, अगर आप खुद से कर पाते हैं तो कर लीजिए, अगर खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे थ्रू भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और सीएससी का भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहां से हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। सो जो भी प्रोसेस होगी वो आपको बता दी जाएगी। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज से लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अपनी अगली आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे टीईसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सीएससी अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।